देखिए, हमेशा से भारत में क्रिकेट में ना स्टार जो है वो बल्लेबाज रहते हैं। गेंदबाज काम करता है, गेंदबाज अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट मिलता है बल्लेबाजों को। एक गेंदबाज ऐसा है जिसे स्टार भी कहा जा सकता है और जिसे श्रेय भी मिलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। एक्सपेक्टर है इंडिया के। अगर बुमराह का ये वर्ल्ड कप अच्छा गया तो सामने वाली टीमें खौफ में रहेंगी, क्योंकि उनके पास नई गेंद के साथ 2 ओवर और पुरानी गेंद के साथ 2 ओवर, 4 ओवर में विकेट लेने की एबिलिटी है। और आप तो जानते ही हैं, T20 में रन रोकने हैं तो विकेट लेने से बड़ा हथियार नहीं। जसप्रीत बुमराह है भारत के इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़े खिलाड़ी, एक्सपेक्टर वाले खिलाड़ी। बल्लेबाज इनका एक्शन पढ़ते रह जाते हैं और जसप्रीत बुमराह की गेंद गिल्लियां बिखेर कर मैच ही पलट देती है। फॉर्मेट कोई भी हो, टीम इंडिया के आक्रमण का सबसे भरोसेमंद नाम है जसप्रीत बुमराह। ये साल 2010 के आसपास की बात है जब जसप्रीत नाम का लड़का क्रिकेट की कोचिंग लेने गया। अहमदाबाद के वस्त्रापुर का ये वही निर्माण हाई स्कूल है जहाँ जसप्रीत पहले किताबों में मन रमाने गए और फिर रॉयल क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट की किताब से उन्होंने ऐसा नाता जोड़ा कि तेज गेंदबाज का एक पूरा अध्याय ही लिख दिया। ये वो वक्त था जब जसप्रीत का परिवार उनके करियर को लेकर टेंशन में था। ऊपर से गेंदबाजी में उनका एक्शन शुरू से ही कुछ अलग था। साथी खिलाड़ी शिकायत करते थे कि ये थ्रो करता है, लेकिन कोच की क्लीन चिट ने बुमराह का करियर बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 2008 में वो इस स्कूल में आए थे और इसी स्कूल से उनके जीवन या फिर उनके करियर का जो शुरुआत हुई थी एज अ क्रिकेटर, वो यहीं से हुई थी। आज भी स्कूल में जसप्रीत बुमराह की छाप है। इसी स्कूल में उनकी मदर प्रिंसिपल थी उस वक्त, और यहीं से उन्होंने, उनको पहली बार हुआ था कि एक क्रिकेट के लिए जसप्रीत बुमराह को फॉर्मल कोचिंग दी जाए। बच्चे तो सब बोलते कि सर ये तो थ्रो बॉलिंग कर रहा है, तो हमको उसके सामने खेलने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से बॉल डालता था ना, तो जो बैटिंग करते थे वो सब डरते थे। बॉल उसके हाइट के ऊपर से जाता है, बाउंसर जाता था, स्पीड ज़्यादा थी, तो सब बोलते कि सर इसको बॉलिंग मत दो, वो थ्रो डालता है, थ्रो डालता है। बुमराह ने कभी आपको आके इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं, बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि ये थ्रो बॉल डाल रहा है? वो मेरे को बोलता है कि सर ये तो मेरे को थ्रो बॉल, मैं नहीं, तुम बराबर बॉलिंग कर रहे हो, थ्रो बॉलिंग नहीं है, बच्चे सब बोलने दो, जो तुम करते हो वही करो। बल्लेबाज T20 में बड़े अहम हैं, बल्लेबाज मैच जिताते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि टूर्नामेंट जिताने के लिए आपको गेंदबाज चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह अकेला भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, लेकिन बुमराह के इर्द गिर्द बाकी गेंदबाज काम करते हैं। होता क्या है कि अगर भारत स्पिन का जाल बिछाएगा तो आपके स्पिनर्स भी विकेट लेंगे, लेकिन जब सामने वाली टीम को ये मालूम होता है कि यार बुमराह ने भी 2 ओवर और आकर डालने हैं एंड में, तो बल्लेबाज पहले रिस्क लेने की कोशिश करता है। कभी कभी बुमराह फैक्टर बाकी गेंदबाजों को विकेट भी दिलाता है। रॉयल क्रिकेट एकेडमी में 3 साल तक जसप्रीत मेहनत करते रहे। मौका मिला तो जिले की टीम से कामयाबी का सफर शुरू हुआ, फिर रणजी और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के दौरान मुंबई इंडियंस के उस वक्त के कोच जॉन राइट अहमदाबाद आए। उन्होंने जसप्रीत को देखा और मुंबई इंडियंस की टीम के लिए चुन लिया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चोट की वजह से उनके करियर में ब्रेक जरूर लगते रहे, लेकिन अब जब वो वापसी कर चुके हैं तो ब्रेक थ्रू दिलाने का उनका किरदार और भी निखर कर सामने आ रहा है। आने वाले वर्ल्ड कप में उनकी थार और रफ्तार इस बात की फिर गवाही देने को तैयार है। IPL में हमने देखा कि बुमराह शायद MVP होते हैं, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। रोहित शर्मा से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी ये मानेंगे कि इस वर्ल्ड कप में भारत के MVP जसप्रीत बुमराह ही हैं। बुमराह से विकेटें चाहिए और बुमराह का खौफ बाकी टीमों पर दिखना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता सर को, उनका बोलना था कि क्रिकेट में हर कोई बल्लेबाजों की बात करता है, गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करने स्टार्ट किए भारत की तरफ से, वो इतने घातक गेंदबाज साबित हुए हैं और उनका जिक्र हर वक्त, हर टाइम, हर एक बल्लेबाज के दिमाग में चलता रहता है। और क्यों ना बात करें उस प्लेयर की जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, जिस टाइम पर टीम को ज़रूरत होती है उस टाइम पर विकेट भी काट कर देते हैं, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है पिच को रीड करने का, जो उनका एक तरीका है, क्योंकि
जिस तरह से वो पिच को रीड करते हैं, यानी कि जब कोई पिच बल्लेबाज को शूट करती है तो उसके हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। अब जब कभी पिच कभी गेंदबाज को शूट करती है तो उनको बल्लेबाज के ऊपर चढ़कर बोलती है, और उनका यॉर्कर डेट स्पेशलिस्ट तो है ही है पावर प्ले में, कहीं भी कहाँ भी उन्हें गेंदबाजी करो वो अपना इम्पैक्ट तो छोड़ते हैं। डेट स्पेशलिस्ट काफ़ी अच्छे हैं, और जिस तरह से वो यॉर्कर मारते हैं, उन्होंने जिस तरह से सुनील नारायण को जो गेंद बाहर जा रही थी और वहाँ से अंदर की तरफ लाया, यानी कि वो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था सुनील नारायण को, जिस तरह से उन्होंने सुनील नारायण को बोल्ड किया था, उनकी एक क्वालिटी उनका एक क्लास शो कर रहा था। क्योंकि जिस तरह से सुनील नारायण देखते रह गए, क्योंकि वो गेंद जब पड़कर अंदर की तरफ आई तो उन्होंने छोड़ दिया था गेंद को, लेकिन बुमराह का ये टैलेंट है, बुमराह का एक क्लास है, उनने सुनील नारायण जो कि काफ़ी अटैकिंग पाली खेल रहे थे उन्हें आउट करके भेजा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को एक अकेले ही जीत के तरफ ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, बल्लेबाजों को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है क्रिकेट में। लेकिन जो भी हो, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं, भारत को वहाँ पर वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत को इस बार की ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में वो हाल फिलहाल में है, क्योंकि IPL भी उनका काफ़ी अच्छा गया है, अगर वो लास्ट मैच शायद खेल जाते तो शायद पर्पल कैप के दावेदार भी होते। लेकिन जो भी हो, जसप्रीत बुमराह एक लीजेंड है, जसप्रीत बुमराह एक क्लास बॉलर है, जसप्रीत बुमराह की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसे गेंदबाज कभी कभी जन्म लेते हैं, यानी कि अब उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं उनकी गेंदबाजी को तो हर एक जन सल्यूट कर रहा है। लेकिन सोचना ये होगा कि इन्होंने जो अपने आप को खुद इतना परफेक्ट बनाया है, ऐसे ही नहीं बने, क्योंकि एक्सपीरियंस पर एक्सपीरियंस, यानी कि जब मैच दर मैच खेलते जाएंगे तो प्लेयर को एक्सपीरियंस मिलेगा, और उनका एक्सपीरियंस का ही नतीजा है कि जसप्रीत बुमराह की इतनी बड़ी क्लास इंडियन टीम में है। अब देखना होगा कि इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद क्या वो इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया को उठाने में मदद करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, जसप्रीत बुमराह एक क्लास बॉलर हैं, जिस टाइम उनका इम्पैक्ट टीम में होगा तब पता चलेगा कि किस तरह से वो किस कैलिबर के गेंदबाज हैं। आपको इसी अपडेट के यहाँ साथ यहाँ छोड़ रहे हैं। अगर आपकी जसप्रीत बुमराह के बारे में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।